हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिकास आर्ट ऑफ कुकिंग। लेट्स गो फॉर टुडेज रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे कंप्लीट थाली बस मिनटों में, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, टेस्टी भी। तो देखते हैं। तो हम थाली बनाना स्टार्ट करते हैं। थाली बनाने के लिए मैंने गैस पर कुकर रख दिया है, वो हम गैस ऑन कर देंगे। उसमें 1 लीटर पानी डाल देती हूँ। उसी में हम दाल, सब्जी और चावल तीनों लगाएंगे। मैंने तुअर की दाल ली है, उसे वॉश कर लेती हूँ। ये दाल बनाने का शॉर्टकट तरीका है। अब मैं इसमें ही 1 टमाटर काट कर डाल देती हूँ। जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहे डायरेक्टली दाल पकते टाइम डाल सकते हैं। इससे दाल के साथ तड़का लगाने में हमें आसानी हो जाएगी। और हमारी सब्जी, चावल और दाल एक साथ पक जाएगी। इसमें मैं लहसुन की कलियाँ डालती हूँ और थोड़ा सा हींग। हल्दी पाउडर और रख देते हैं कुकर में। यहाँ पर मैंने सोख बटाना लिया है, 3-4 घंटे से मैंने भिगो के रखा था। उसी में मैं आलू डाल देती हूँ, उसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी और ये भी कुकर में रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने चावल लिए, इसे भी वॉश मैं कुकर में चढ़ा दूंगी। चावल हम कुकर में चढ़ा देते हैं। लगा देंगे। इसे 5 सीटी आने तक हम पका लेंगे। उसके साथ ही मैं यहाँ पर स्वीट डिश में खीर बना रही हूँ। उसके लिए मैं दूध गैस पर रख देती हूँ। हमने दूध रख दिया, साथ ही हम वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे। हम बना रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी, साथ ही थोड़ा सा रायता बना लेंगे। रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैं खीरा ले रही हूँ। इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। खीरे के साथ छोटे साइज का एक टमाटर, इसे भी कट कर लेते हैं बारीक। साथ ही थोड़ा सा प्याज भी बारीक कट कर लेंगे। हमारा दूध भी उबल चुका है। मैंने इसमें डालने के लिए चावल थोड़े से भिगो कर रखे हैं, इसे और थोड़ा उबलने देते हैं। इसमें आपकी पसंद के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स ले सकते हैं ताकि और कलरफुल दिखे। थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच दही। इसे मिला लेंगे। इसे तड़का हम बाद में दे देंगे। इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं हमारे दूध की तरफ। दूध में मैं चीनी और इलायची मिला रही हूँ। इलायची मैंने दरदरी पीस ली है, आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। इसे चला लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़े से क्रश ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, इसे डाल देंगे और इसे पका लेंगे। तब तक मिक्सी में से मैं हमारे सोख के हुए चावल भी निकाल देती हूँ।
कुकर के हमारे सीटी भी लग चुकी है एक। पीसे हुए चावल दूध में डाल देते हैं। चावल पकने तक और कुकर की बाकी सीटियां होने तक हम आटा गूंद लेंगे। हमारे घी रेडी है, इसे कर देते हैं साइड में। कुकर की सीटियां भी लग चुकी हैं, आटा भी गूंद चुका है। जब तक हमारी बाकी की तैयारी होती है तब तक आटा भी सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाला है। फ्लेम को कर देते हैं ऑन। और जब तक हमारे कुकर ठंडा होता है तब तक हम सब्जी के लिए ग्रेवी बना लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक प्याज, उसे मैं कट करती हूँ, बड़े टुकड़े में कट कर लेंगे। तब तक हम हमारा तेल गर्म हो जाएगा। हमारा तेल गर्म हो चुका है, उसमें हम डालेंगे दालचीनी, ब्लैक पेपर और एक स्टार फ्लावर। हमारा मीडियम कटा हुआ एक प्याज, इसे चला लेंगे। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम टमाटर कट कर लेते हैं। प्याज के साथ ही हम लहसुन ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे टमाटर। टमाटो हमें नरम होने तक पकाना है। टमाटर भी हमारे थोड़े से नरम हो चुके हैं, अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पॉट में निकाल कर पीस लेते हैं। यहाँ मैंने दोनों गैस पर दो पैन रख दिए, अब मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑन। एक साइड हम सब्जी बना लेंगे, एक साइड दाल बना लेंगे। हमारी दाल पक चुकी है, ऐसे फेंट लेंगे। हमारे सब्जी का मसाला भी रेडी है, दाल अच्छे से गल चुकी है। पोटैटो भी हमारे मैंने पील कर लिए हैं, इसमें डालेंगे पानी। सब्जी वाले पैन में मैं डालूंगी 4 चम्मच तेल और हमारे दाल वाले पैन में मैं डालूंगी 6 चम्मच तेल। दोनों तेल गर्म हो रहे हैं, दोनों में डालेंगे थोड़ी राई। राई को तड़कने देंगे, फिर ऐड करेंगे जीरा। ऐड करेंगे जीरा, और दाल वाले पैन में से ही थोड़ा तेल लेकर हम हमारे रायते को तड़का लगा लेंगे। इससे तड़का लग चुका है, अब ये भी रेडी है। सब्जी वाले पैन में हमारी ग्रेवी ऐड कर देते हैं। दाल वाले पैन में थोड़ा सा हींग डाल लेते हैं और हमारी दाल ऐड कर देते हैं। साथ में इसे भी चला लेंगे। दाल में हमने नमक ऐड नहीं किया था, तो अब हम लाल मिर्च और नमक ऐड करते हैं। लाल मिर्च और नमक आपके टेस्ट अकॉर्डिंग। इसे भी चला लेंगे, ये मसाला अच्छे से पका लेना है हमें।
और दाल भी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ उसमें। डालेंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ते, इसमें हम मसाले ऐड करते हैं, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी और नमक मिक्स कर लेंगे। दाल में ऐड करते हैं हरा धनिया, दाल उबल रही है इसमें हम हमारे पोटैटोज मत डालते हैं मैश करके। ग्रीन पीस भी डाल देते हैं, इसे मिला लेते हैं। हमारी दाल भी उबल रही है और सब्जी भी रेडी हो रही है। आप चाहे तो सब्जी में थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ऐड करेंगे हरा धनिया, देख सकते हैं हमारी सब्जी और दाल दोनों भी एकदम बढ़िया बने हैं। अब चलते हैं रोटी की तरफ। गैस पर मैंने पैन रख दिया है, एक गोला मैंने लिया है आटे का, इसको मैं कुछ इस तरह से बनाकर इस पर तेल लगा लूँगी, थोड़ा सा आटा। इससे रोटी बहुत अच्छी फूलती है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब इसे हम आटे में लपेट कर बेल लेंगे। इसे हम पैन पर डाल देते हैं सेकने के लिए। जब तक एक सेक रही है हम दूसरी बना लेते हैं। देख सकते हैं हमारी रोटी कितनी अच्छे से फूल रही है। थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। ये भी रोटी उसी तरह सेक लेते हैं। चलते हैं हमारी प्लेटिंग की तरफ। लगा देते हमारी आलू मटर की सब्जी, ब्यूटीफुल दाल, खीर रायता, सलाद, फटाफट एक पापड़ सेक लेते हैं, सलाद को बाहर रख देते हैं, हमारी दो चपाती, पापड़, और राइस। मुझे तो देख कर ही भूख लग रही है। आप भी ट्राई कीजिए, सर्व कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।